हमारा जो आज का टॉपिक है दैट इज़ द सेकेंड लास्ट टॉपिक ऑफ आवर चैप्टर नंबर 6, जिसमें हमने डाइपोल मोमेंट्स जो हम पढ़ के आ चुके हैं पहले, उससे रिलेटेड जो फर्दर इंफॉर्मेशन हमें डाइपोल मोमेंट से पता लगती है वो देखना है। तो जो टॉपिक का नाम है दैट इज़ डाइपोल मोमेंट एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर। तो हम इस टॉपिक में ये देखेंगे कि मॉलिक्यूल के स्ट्रक्चर के ऊपर डाइपोल मोमेंट का क्या इफ़ेक्ट होता है, या अगर हमारे पास डाइपोल मोमेंट मौजूद हो तो हम मॉलिक्यूल की कौन सी चीज़ों के बारे में इंफॉर्मेशन को हासिल कर सकते हैं। अब डाइपोल मोमेंट को अगर मैं रिवाइज करूँ तो इट वाज द मल्टी प्रोडक्ट ऑफ व्हेन वी मल्टीप्लाइड द चार्ज प्रेजेंट ऑन द टू डाइपोल्स ऑफ द मॉलिक्यूल, और जब हम उनके दरमियान मौजूद डिस्टेंस से इसको मल्टीप्लाई करते थे तो हमारे पास डाइपोल मोमेंट आ जाता था। और इसके यूनिट्स ऐसे यूनिट्स थे मीटर कूलम्स, और इसके जो स्पेसिफिक यूनिट्स थे दोज वर द डीबाई यूनिट्स, और हमने फिर डीबाई की एमसी के अंदर कन्वर्जन भी पढ़ी थी। तो ये डाइपोल मोमेंट का जो कॉन्सेप्ट आपने पिछले टॉपिक में लिया था उसी को लेके हम आगे चलेंगे, एंड वी विल फाइंड आउट कि व्हाट अदर थिंग्स मॉलिक्यूलर अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ द मॉलिक्यूल कैन बी प्रिडिक्टेड अगर हमें डाइपोल मोमेंट के बारे में इलम हो। तो वो कहता है जी कि देयर आर टू इंफॉर्मेशंस जो कि हमें डाइपोल मोमेंट देता है अबाउट द मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर, एंड नंबर वन इज द परसेंटेज ऑफ आयनिक करेक्टर। हमें जो आपके पास आपका डाइपोल मोमेंट है वो हमें ये बताता है कि इसके अंदर आयनिक करेक्टर कितने परसेंट मौजूद है। और सेकंड जो चीज़ हमें बताएगा वो ये बताएगा कि इसकी जो सी ज्योमेट्री है मॉलिक्यूल की वो कैसी होगी, ज्योमेट्री ऑफ द मॉलिक्यूल्स। तो दीज आर द टू थिंग्स विच वी कैन अंडरस्टैंड और विच वी कैन नो अगर हमें किसी भी मॉलिक्यूल का डाइपोल मोमेंट जो है वो पता लग जाए। तो अब हम पहली चीज़ की तरफ जाते हैं अबाउट द आयनिक करेक्टर इन द मॉलिक्यूल। नंबर वन इज़ द आयनिक करेक्टर इन मॉलिक्यूल। अब आयनिक करेक्टर क्या होता है, इसको हम डिफरेंट अपने टॉपिक्स के अंदर स्टडी करके आए हैं। आयनिक करेक्टर इज़ द परसेंटेज ऑफ आयनिक जो कि पॉजिटिव और नेगेटिव, अगर एक पोल अगर एक मॉलिक्यूल के बॉन्ड के ऊपर पोल्स बन गए हैं तो वो पोल्स क्या करेंगे, उसको कम्प्लीटली कोवलेंट नहीं रहने देंगे, दे विल इम्पार्ट सम आयनिक करेक्टर। और वो करेक्टर जो है तमाम के तमाम आपके मॉलिक्यूल्स के अंदर मौजूद होता है, ख़ास तौर पे कौन से मॉलिक्यूल्स विच आर पोलर मॉलिक्यूल्स। वो तमाम कोवलेंट बॉन्ड्स जो कि पोलर कोवलेंट बॉन्ड्स होते हैं उनके दरमियान किसी हद तक आयनिक करेक्टर मौजूद होता है, एंड दैट आयनिक करेक्टर कैन बी अंडरस्टूड और कैन बी कैलकुलेटेड इफ़ वी नो दी डाइपोल मोमेंट ऑफ दैट मॉलिक्यूल। अब वो कैसे होगा, उसके लिए एक फार्मूला है परसेंटेज आयनिक करेक्टर फाइंड आउट करने के लिए। फार्मूला आप याद करेंगे और आपके लिए इसको फाइंड आउट करना बहुत आसान रहेगा। परसेंटेज आयनिक करेक्टर का क्या मतलब है, जब भी हम किसी चीज़ की परसेंटेज लेते हैं तो हम उसको जो है टोटल जो अमाउंट होती है उससे डिवाइड कर देते हैं। तो इसका फार्मूला भी उसी पॉइंट ऑफ व्यू से है। परसेंटेज आयनिक करेक्टर में क्या होगा कि हम जो डाइपोल मोमेंट है उसका जो कि ऑब्जर्व किया है, जो कि हमारे पास उसका मौजूद है एक मॉलिक्यूल का, और अगर हम सपोज करें कि आपका मॉलिक्यूल जो है वो 100% आयनिक है तो उसका जो डाइपोल मोमेंट होगा वो म्यू आयोनिक कहलाएगा, और इसको जब मैं 100 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो आई विल गेट दी परसेंटेज। तो दिस इज़ द फॉर्मूला फॉर फाइंडिंग आउट द परसेंटेज ऑफ आयनिक करेक्टर प्रेजेंट इन एनी मॉलिक्यूल। अगर हम कहते हैं जी कि आपके मार्क्स जो हैं वो 40 हैं आउट ऑफ 100, तो हम उसकी परसेंटेज यूँ निकालते हैं कि 40 इसके मार्क्स हैं जो कि आए हैं, जो कि ऑब्जर्व किए हैं हमने, जो कि निकले हैं, और टोटल ये कितने ले सकता था, दैट वुड बी 100। और इसको जब हम फाइंड आउट करते हैं तो हम कहते हैं जी कि इसके 40% मार्क्स हैं। इस तरह यू ऑब्जर्वेशन वाला जो है म्यू ऑब्जर्व जो हमने किया है डाइपोल मोमेंट, वो वाला म्यू है जो कि आप
का उस मॉलिक्यूल की एग्जिस्ट कर रहा है, और यू आयनिक उस केस में है कि अगर आपके पास 100% आयनिक कंपाउंड होगा तो उसका डाइपोल मोमेंट कितना होगा। तो ये जो है ऑब्जर्व्ड, ये हमें एक्सपेरिमेंट से मिलेगा, और ये वाला जो सा है इसको हम उसके फॉर्मूले से निकाल लेंगे, और हम इस फॉर्मूले में पुट करके परसेंटेज आयनिक करेक्टर निकालेंगे। इसकी अब हम एक एग्जांपल की मदद से मज़ीद एक्सप्लेनेशन जो है वो समझ लेते हैं। एग्जांपल आपकी बुक ही की एग्जांपल है। एग्जांपल कहती है जी कि ऑब्जर्व्ड डाइपोल मोमेंट ऑफ एचएफ, जो कि ऑब्जर्व्ड है एचएफ का, दैट इज 1.90 डीबाई। अब आपने फाइंड आउट क्या करना है, यू हैव टू फाइंड आउट दी परसेंटेज आयनिक करेक्टर। परसेंटेज आयनिक करेक्टर आपने फाइंड आउट करना है, यू ऑब्जर्व्ड उसने दे दिया, म्यू ऑब्जर्व्ड जो है वो 1.90 है। अब वो कहता है जी कि आपके पास जो दो चार्जेस के दरमियान डिस्टेंस है जिसको हम आर कहते हैं, उसने डिस्टेंस भी आपको दे दिया 0.917 इंटू 10^-10 मीटर्स, और आप ये चीज़ जो है ये फाइंड आउट करें। अब हम इसके जब सॉल्यूशन की तरफ जाएंगे तो सॉल्यूशन के अंदर अगर आप देखें तो परसेंटेज आयनिक करेक्टर का जो फार्मूला हमने अभी पीछे लिखा था वो है म्यू ऑब्जर्व्ड डिवाइडेड बाय म्यू आयनिक मल्टीप्लाई बाय 100। ये हमारे पास मौजूद है वैल्यू 1.90, ये हमारे पास मौजूद नहीं है, तो वी विल फाइंड म्यू आयोनिक फाइंड आउट करेंगे। वो कैसे निकलेगी, वो निकलेगी क्यू इंटू आर से। अब आर तो हमारे पास मौजूद है, क्यू क्या होगा, क्यू जो है वो यूनिट पॉजिटिव चार्ज होगा जो कि एक प्रोटॉन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, दैट इज़ 1.6022 इंटू 10^-19 कूलम। तो इस Q की वैल्यू उठा के मैं इधर डालूँगा 1.6022 इंटू 10^-19 कूलम्स मल्टीप्लाई बाय R, इसका है 0.917 इंटू 10^-10 मीटर्स। तो यहाँ से मेरे पास इसका जो है वो आंसर आ जाएगा, दैट इज़ 4.469 इंटू 10^-29 एम सी। लेट मी राइट इट इंटू द नेक्स्ट पेज। हमारे पास जो म्यू आयोनिक की वैल्यू आई दैट इज 1.469 इंटू 10^-29 एम सी। अब इस वैल्यू को उठा के मैं अपने जो ये फॉर्मूला था ओ बी एस डिवाइडेड बाई म्यू आयोनिक इंटू 100, इस वैल्यू को डायरेक्ट मैं इधर नहीं डाल सकता। क्यों, क्योंकि जो यू ओ बी एस है, यू म्यू ऑब्जर्व्ड है, वो हमारे पास डी बाई यूनिट्स में गिवन है, जबकि ये जो हमने निकाला है इसके यूनिट्स एम सी में हैं। तो हमें पहले एम सी को कन्वर्ट करना पड़ेगा डी बाई के अंदर। और आपको पिछला टॉपिक अगर याद हो तो उसमें हमने पढ़ा था कि 1 DB इज़ इक्वल टू 3.336 इंटू 10^-30 मीटर कूलम्स। तो इसको जब मैं इसमें कन्वर्ट करूँगा तो मैं उसको डिवाइड कर दूँगा, क्योंकि मुझे किस में जाना है, डीवाई में जाना है। तो 1.469 इंटू 10^-29 मीटर कूलम डिवाइडेड बाय 3.336 इंटू 10^-30 मीटर कूलम। तो इसको डिवाइड करने से मेरे पास आंसर आएगा 4.4 DB। अब मेरे पास यूनिट्स जो से हैं वो हो गए सेम। अब हम चलते हैं अपने इसी फार्मूले की तरफ। इसके अंदर यू ऑब्जर्व्ड हमें क्वेश्चन की स्टेटमेंट में गिवन था 1.90, और म्यू आयनिक हमने निकाल लिया 4.4 मल्टीप्लाई बाय 100। इसको जब आप डिवाइड करके 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर आएगा 43.2%। और ये परसेंट क्या है, दिस इज द परसेंटेज आयोनिक करेक्टर। और ये आयोनिक करेक्टर किस बॉन्ड में प्रेजेंट है,
एच एफ के अंदर। तो ये पहली एग्जांपल थी हमारे पहले केस की कि हमें जो डाइपोल मोमेंट है वो क्या बताता है, वो बताता है परसेंटेज आयनिक करेक्टर। और उसको हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, उसको हम इस तरह से फाइंड आउट करते हैं कि हम ऑब्जर्व डाइपोल मोमेंट को डिवाइड कर देते हैं आयोनिक डाइपोल मोमेंट से, जो कि होता है अगर 100% आयोनिक बॉन्ड आपका आयोनिक कंपाउंड हो तो। उसको हम फाइंड आउट करके उससे डिवाइड करके 100 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हम किसी भी बॉन्ड के अंदर मौजूद परसेंटेज आयनिक करेक्टर निकाल लेते हैं। और एच एफ के केस में जो आयनिक करेक्टर निकला हमारे पास, दैट इज 43%, और कोवलेंट कंपाउंड कोवलेंट करेक्टर था जी इसके अंदर, इसको मैं 100 से अगर माइनस कर दूं तो इट वुड बी 57%। तो ये चूंकि ज़्यादा है तो एच एफ क्या है, डोमिनेंटली कोवलेंट बॉन्ड है, लेकिन उसके अंदर 43% करेक्टर्स आर आयनिक करेक्टर्स। एंड दिस इंफॉर्मेशन हमें कहाँ से मिली, फ्रॉम द डायपोल मोमेंट। तो ये पहला चीज़ थी जो कि हम डायपोल मोमेंट की मदद से फाइंड आउट करते हैं। अब हम चलेंगे नेक्स्ट चीज़ की तरफ, जो कि हमने बात की थी ज्योमेट्री ऑफ द मॉलिक्यूल्स, कि अगर हमारे पास मौजूद हो एक अदद डायपोल मोमेंट किसी भी स्ट्रक्चर का, किसी भी मॉलिक्यूल का, तो वो हमें दो चीज़ें बता सकता था, जिनमें से दूसरी चीज़ थी ज्योमेट्री ऑफ द मॉलिक्यूल। अब ज्योमेट्री ऑफ द मॉलिक्यूल को हम समझते हैं डिफरेंट एग्जांपल्स की मदद से। वो कहता है जी कि अगर आप वाटर की बात करें तो वाटर का जो डायपोल मोमेंट है दैट इज 1.85 d/। अब कुछ ना कुछ डायपोल मोमेंट होने की वजह से जो इन्फॉर्मेशन हमें पता लगती है वो ये है कि इट हैज़ नो लीनियर स्ट्रक्चर। देखिए ना, वाटर का स्ट्रक्चर है H2O, H डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड H। ये इस तरह का लीनियर स्ट्रक्चर भी तो हो सकता था ना, यहाँ पे एग्जिस्ट लीनियर स्ट्रक्चर भी कर सकता था, लेकिन डाइपोल मोमेंट की मौजूदगी कि हमें बता रही है कि ये लीनियर स्ट्रक्चर नहीं है। क्योंकि अगर ये लीनियर होता तो जितना डाइपोल इधर होना था उतना डाइपोल इधर होना था, इन्होंने कैंसिल आउट कर देना था और वाटर का जो ओवरऑल डाइपोल मोमेंट होना था वो ज़ीरो हो जाना था, लेकिन ऐसा नहीं है। वाटर का डाइपोल मोमेंट 1.85 मौजूद है, और ये 1.85 हमें बता रहा है कि वाटर हैज़ नो लीनियर स्ट्रक्चर। अब इसका मतलब है कि अगर लीनियर स्ट्रक्चर नहीं है तो फिर ये बेंट होगा, फिर इसके अंदर कोई ना कोई एंगल मौजूद होगा। और हम पीछे इसी चैप्टर में डिफरेंट थ्योरीज में वाटर की एग्जांपल पढ़ के आए हैं कि वाटर के अंदर जो मौजूद है, वाटर के अंदर आपके पास जो है वो मौजूद है बेंट और एंगुलर स्ट्रक्चर है। तो ये जो है, ये जो डायरेक्शन इसकी होती है पॉजिटिव टू नेगेटिव, तो ये जो उनसे डायपोल मोमेंट्स हैं दे वर बी कैंसिलिंग ईच अदर। सिमिलरली अगर हम पुरानी बात याद करें तो यहाँ पर मौजूद ऑक्सीजन के पास जो उनसे पेयर्स थे, लॉन पेयर्स जो उनसे मौजूद थे, उनकी वजह से ये जो है बेंड होता था। एंड इस कम्स आउट टू बी 1.104.9 जो है इसका एंगल निकलता था। तो ये हमें किससे पता चला, पता चला हमें डाइपोल मोमेंट से, म्यू से, कि आपके पास उसका स्ट्रक्चर कैसा होगा। सिमिलरली ऑन द सेम एग्जांपल्स ऑफ अदर मॉलिक्यूल्स जिनका स्ट्रक्चर लीनियर हो सकता था लेकिन वो नहीं है, जैसे कि H2S या फिर SO2, दे आर ऑल्सो बेंट लाइक वाटर। क्यों? क्योंकि इनका डाइपोल मोमेंट जो है, इनका जो डाइपोल मोमेंट है वो ज़ीरो नहीं है। ज़ीरो ना होने की वजह से ये बात समझ आती है कि ये इनका स्ट्रक्चर लीनियर नहीं है। तो यहाँ पे आपकी बुक में एग्जांपल्स भी गिवन है, दिस इज़ H2S, ये H पॉजिटिव है तो ये इसका डाइपोल मोमेंट, ये इसका डाइपोल मोमेंट, और नेट डाइपोल मोमेंट जब आप वेक्टर एडिशन करेंगे तो ये होगा। तो इस केस में इसका 0.95 d/ जो है आपके पास डाइपोल मोमेंट होता है। सिमिलरली अगर मैं SO2 की बात करूँ तो S फॉर्म्स डबल बॉन्ड विद ऑक्सीजन एंड डबल बॉन्ड विद दिस ऑक्सीजन। अब ये पॉजिटिव है और ऑक्सीजन आर दी नेगेटिव, तो इसका जो डाइपोल होगा एक ये
और दूसरा ये, और सिमिलरली जब आप इस दोनों को ऐड करेंगे, इनकी वेक्टर एडिशन करेंगे, तो रिजल्टेंट वेक्टर यहाँ पर आएगा और इनकी होती है 1.61 d/. तो ये स्ट्रक्चर जो उनसे हैं, ये लीनियर स्ट्रक्चर नहीं है, ये बेंट स्ट्रक्चर है। सिमिलरली अगर मैं कार्बन डाइऑक्साइड की बात करता हूँ, तो कार्बन डाइऑक्साइड भी इन्हीं की तर्ज का एक मॉलिक्यूल है, जैसे कि H2O है या H2S है या SO2 है। लेकिन इन तीनों के डिवाइस जन से थे, इन तीनों के जो डाइपोल मोमेंट्स थे, देवर नॉट इक्वल टू ज़ीरो। तो हमने इससे ये ज्यूम किया कि इनका स्ट्रक्चर क्या होगा, बेंट होगा। CO2 की जब बारी आई, तो स्ट्रक्चर तो ये उसी टाइप का है, लेकिन इसका जो डाइपोल मोमेंट था वो निकला ज़ीरो। और जब इसका डाइपोल मोमेंट ज़ीरो निकला, तो हमने ये बात पर ज्यूम की कि इसका स्ट्रक्चर अब क्या होगा, लीनियर होगा। तो अब अगर मैं इसका स्ट्रक्चर बनाऊँ कार्बन डाइऑक्साइड का, तो कार्बन फॉर्म्स अ डबल बॉन्ड विद दिस ऑक्सीजन एंड डबल बॉन्ड्स विद दिस ऑक्सीजन। कार्बन इज़ पॉजिटिव, दीज आर द पार्शियल नेगेटिव्स। तो एक इसका होगा ये और दूसरा होगा ये, एंड दीज टू सेंस आर इक्वल, सो दे विल ईच कट, दे विल कैंसल आउट द इफेक्ट ऑफ ईच अदर, एंड द ओवरऑल डाइपोल मोमेंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड विल बी ज़ीरो। जिससे हमें ये पता लगा कि इसका ज़ीरो उसी सूरत में हो सकता है अगर इसका स्ट्रक्चर क्या हो, लीनियर हो। तो यहाँ से जो हम अपना पॉइंट लेकर चल रहे थे, जो प्रूव करना चाह रहे थे, कि डाइपोल मोमेंट से हम ज्योमेट्री ऑफ द मॉलिक्यूल प्रिडिक्ट कर सकते हैं, तो दिस इज़ द एग्जांपल जिसमें हमने उसकी जो सी है वो प्रिडिक्ट की है, हमने उसकी ज्योमेट्री। गोइंग नेक्स्ट, अगर हम आगे चलें इसके, तो आपके पास दो चार और एग्जांपल्स हैं जिनमें BF3 की एग्जांपल आपके पास आती है। BF3 इज फोर एटम कंपाउंड, फोर एटम्स इसके अंदर मौजूद हैं। इनकी जो सी स्ट्रक्चर्स हैं वो कुछ इस तरह की हैं कि इनका डाइपोल मोमेंट जो है वो आता है ज़ीरो। जिनका डाइपोल मोमेंट ज़ीरो आता है, दे रिप्रेजेंट के दे हैव परफेक्टली टेट्राहेड्रल। अगर वो पांच एटम्स वाले हैं और अगर वो चार एटम्स वाले हैं, तो दे हैव परफेक्टली ट्रायंगुलर स्ट्रक्चर। और ये स्ट्रक्चर हम पहले भी पढ़ के आए हैं। अब अगर मैं BF3 की बात करता हूँ, तो BF3 इज लाइक दिस, एवरी एंगल इज एट 120 डिग्री। ये बात हम पहले भी कई दफ़ा मॉडर्न थ्योरीज में पढ़ के आए हैं। सिंस दे आर इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड इन थ्री डायमेंशंस, तो इनका जो रिजल्टेंट होगा, इनकी जो रिजल्टेंट फोर्स होगी वो ये, अब देखें ना, दिस इज़ द पॉजिटिव एंड दीज आर द नेगेटिव एंड्स। तो ये इसका होगा जो है पॉजिटिव से नेगेटिव होगा, तो जब आप इसके ड्रॉ करेंगे, तो इट विल कट डाउन द इफेक्ट ऑफ द, इसकी डायरेक्शन ये होगी और इनकी डायरेक्शन ये होगी, और इन दोनों का रिजल्टेंट जो होगा वो इस डायरेक्शन में होगा और ऊपर एक इस डायरेक्शन में मौजूद है, दे विल कैंसिल आउट एंड ओवरऑल म्यू विल बी इक्वल टू ज़ीरो। तो दिस इज़ हाउ द स्ट्रक्चर ऑफ BF3 एग्जिस्ट। इसी तरह अगर मैं फाइव एटम्स वाला मॉलिक्यूल ले लूं, जो कि एग्जांपल हम मीथेन की ले लेते हैं, CH4, तो दिस इज सी एंड दिस इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ द टेट्राहेड्रॉन। इन सब के अगर मैं ड्रॉ करूं, दीज आर द पार्शियल पॉजिटिव एंड्स एंड दिस इज़ द पार्शियल नेगेटिव एंड। तो ये जो डायरेक्शन होगी इनकी, उसके एंड पे जब ये इनका रिजल्टेंट आएगा इस डायरेक्शन में, तो ये एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल करेंगे एंड दिस वुड बी कम आउट टू बी ज़ीरो। और इसका मतलब है कि हमें इनके डाइपोल मोमेंट से ये अंदाज़ा हुआ कि विच ज्योमेट्री डू दे हैव। तो यहाँ पे जो है, हमने दोनों पॉइंट्स को अपने प्रूव कर लिया। नंबर वन वाज द आयनिक करेक्टर एंड नंबर टू वाज द ज्योमेट्री ऑफ द
मॉलिक्यूल्स एंड दिस वॉज द सेकेंड लास्ट टॉपिक ऑफ आवर चैप्टर नंबर 6 जो कि बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर था और हम इसको सक्सेसफुली ख़त्म करने में कामयाब हो चुके हैं। अभी सिर्फ एक टॉपिक रह गया है जो कि बहुत ही आसान और जनरल उसमें चीज़ें हैं, उसके बाद फिर हम अपने चैप्टर नंबर 7 की तरफ बढ़ेंगे।